कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ठोसों के यांत्रिक गुण का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए एक स्प्रिंग लें और उस पर बल लगाकर नीचे की ओर खींचे। बल के कारण स्प्रिंग की लंबाई में अंतर आ जाएगा। अब थोड़ा सा और बल लगाएं और स्प्रिंग को और नीचे खींचें और फिर से स्प्रिंग की लंबाई का मान लें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं, उसी तरह से स्प्रिंग की विकृति में अंतर आ रहा है। सारे मापों को जांच कर प्रतिबल विकृति ग्राफ बनाएं। भिन्न भिन्न द्रव्यों के लिए प्रतिबल विकृति वक्र भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, इन वक्रों की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि कोई दिया हुआ द्रव्य बढ़ते हुए लोड के साथ कैसे विरूपित होता है। दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है वो प्रतिबल विकृति वक्र को दर्शा रहा है। दोस्तों, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि O से लेकर A के बीच में वक्र रेखिक है। इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन हो रहा है। जब प्रत्यारोपित बल को हटा लिया जाता है तो पिंड अपने प्रारंभिक विवाह में पुनः प्राप्त कर लेता है। इस क्षेत्र में ठोस एक प्रत्यास्थ पिंड जैसा आचरण करता है। दोस्तों, A से बीच के क्षेत्र में प्रतिबल तथा विकृति अनुक्रमानुपाती नहीं है, फिर भी भार हटाने पर पिंड अभी भी अपने प्रारंभिक विमा में वापस आ जाता है। वक्र में बिंदु B पराभव बिंदु मतलब प्रत्यास सीमा कहलाता है और संगत प्रतिबल का द्रव्य का प्रभाव सामर्थ्य कहते हैं। B से D के बीच आप यह देख सकते हैं कि यदि भार को बढ़ाया जाए तो उत्पन्न प्रतिबल सामर्थ्य से अधिक हो जाएगा और फिर प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए भी विकृति तेजी से बढ़ने लगेगी। अब दोस्तों, आप क्या कीजिए, B और D के बीच किसी बिंदु C का मान ले, पर जब भार को हटा दिया जाए तो पिंड अपनी प्रारंभिक विमा को पुनः प्राप्त नहीं करता है। इस स्थिति में जब प्रतिबल शून्य हो जाए तब भी विकृति शून्य नहीं होती। ऐसे विरूपण को हम कहते हैं प्लास्टिक विरूपण। दोस्तों, ग्राफ पर बिंदु D द्रव्य की चरम तनन सामर्थ्य है। इस बिंदु के आगे प्रत्यारोपित बल को घटाने पर भी अतिरिक्त विकृति उत्पन्न होती है और बिंदु E पर विभिन्न हो जाती है। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु D और विभिन्न बिंदु E पास पास हो तो द्रव्य को भुंगुर कहते हैं। यदि वे एक दूसरे से दूर दूर हो तो द्रव्य को तने कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले कह दिया था कि प्रतिबल और विकृति व्यवहार में एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम रबर ले तो आप देख सकते हैं कि इसके ग्राफ में रबर को अपनी प्रारंभिक लंबाई से कई गुना तक खींचा जा सकता है, फिर भी वह अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक, यंग गुणांक,
अपरूपण गुणांक और आयतन गुणांक क्या क्या होते हैं। दोस्तों, प्रत्यस्थता गुणांक प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यंग गुणांक किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबल चाहे तनक हो या चाहे संपीड़न हो, उत्पन्न विकृति का मान समान होता है। तनक प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात से यंग गुणांक को परिभाषित किया जा सकता है और इसे प्रतीक y द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब y बराबर है तनक प्रतिबल भाग अनुदैर्ध्य विकृति। तो जिसके अनुसार y बराबर आ जाएगा f भाग a भाग डेल्टा l भाग l के। दोस्तों, यंग गुणांक की इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 और पास्कल होती है। दोस्तों, क्योंकि स्टील का यंग माप ज्यादा होता है, जिसके कारण ये ज्यादा कठोर हो जाता है, कारण से अधिक काम की जाने वाली मशीनों तथा संरचनात्मक डिजाइनों में स्टील का अधिक प्रयोग किया जाता है, बल्कि तांबा, पीतल और एल्युमिनियम का प्रयोग कम किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपरूपण गुणांक क्या होता है। अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक कहते हैं। इसे जी द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें जी बराबर है अपरूपण प्रतिबल भाग अपरूपण विकृति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपरूपण प्रतिबल बराबर होता है एफ भाग ए के और अपरूपण विकृति बराबर होती है डेल्टा एक्स भाग एल के। तो जिसके अनुसार अपरूपण गुणांक आ जाएगा जी गुणा थीटा। अपरूपण गुणांक की एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयतन गुणांक क्या होता है। दोस्तों, जब किसी पिंड को अधिक दाब के एक द्रव में डुबोया जाता है तो वह जलीय प्रतिबल के अंतर्गत चला जाता है। यह पिंड के आयतन में कमी उत्पन्न करता है और इस प्रकार से एक विकृति, जिसे आयतन विकृति कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। इसे b से निरूपित किया जाता है, जिसमें b बराबर है घटा p भाग डेल्टा v भाग v। यहाँ पर ऋण चिन्ह ये दर्शा रहा है कि दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी हो जाती है, अर्थात यदि p धनात्मक है तो डेल्टा v ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से आयतन गुणांक का मान सदा ही धनात्मक होगा। आयतन गुणांक की एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 या पास्कल होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए आप क्या कीजिए, दो लंबे सीधे तार लीजिए जिनकी लंबाई तथा त्रिज्या बराबर हो और वह किसी स्थिर दृढ़ आधार से अगल बगल लटके हो। तार ए में एक मिलीमीटर की मुख्य स्केल एम तथा एक भार रखने के लिए एक पलड़ा लगा हो और तार बी समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है और इसमें भी एक पलड़ा लगाया होता है जिसमें ज्ञात भारों को रखा जाता है। प्रायोगिक तार बी की तली पर एक संकेतक में एक वर्नियर स्केल भी जोड़ दिया जाता है तथा मुख्य स्केल एम संदर्भ तार ए से जोड़ दिया जाता है। पलड़े में रखे भार नीचे की ओर एक बल लगाते हैं और प्रायोगिक तार को तनक प्रतिबल के अंतर्गत विस्तारित कर देते हैं।
जैसा कि आप इस चित्र में देख ही सकते हैं। तार में विस्तार को वर्नियर व्यवस्था से नाप लिया जाता है और कमरे में ताप के अंतर के कारण होने वाली लंबाई के किसी परिवर्तन की प्रतिपूर्ति करने के लिए संदर्भ तार का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्रायोगिक तार की लंबाई में ताप के कारण किसी परिवर्तन के साथ साथ संदर्भ तार की लंबाई में भी उतना ही परिवर्तन होता है। अब प्रायोगिक तार को तनक प्रतिबल के अंतर्गत लाने के लिए उस पर धीरे धीरे और भार चढ़ाए जाते हैं और वर्नियर का पाठ्यानोटन किया जाता है। दो वर्नियर पाठकों में अंतर तार की उत्पन्न विस्तार बताता है। दोस्तों, मान लीजिए कि जो प्रायोगिक तार है उसकी प्रारंभिक त्रिज्या आर है और लंबाई है एल। तो इस प्रकार से जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई आर वर्ग दो। मान लीजिए कि द्रव्यमान एम से तार में उत्पन्न विस्तार डेल्टा एल है, तो इस प्रकार से जो प्रत्यारोपित बल आएगा वो आएगा एम जी, जहां जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से जो यंग गुणांक का मापन होगा वो होगा mg भाग पाई r वर्ग 2 गुणा l भाग डेल्टा l। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। दोस्तों, दैनिक जीवन में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार की अहम भूमिका होती है। सभी अभियांत्रिक डिजाइनों में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार से परिशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपने क्रेनों को देखा होगा जो भारी भारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं और उठाते हैं। इन क्रेनों में मोटी धातु की रस्सी होती है और ऐसा इसलिए होता है ताकि लोड तनाव के तहत रस्सी को ना तोड़े, क्योंकि लोड द्वारा उत्पादित तनाव रस्सी की लोचा सीमा से कम होता है। इस प्रकार क्रेन को रस्सी की लोचदार सीमा के अनुसार रस्सी के व्यास को सहन करने, तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कुछ इसी प्रकार से पुलों में भी होता है। पुलों को भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ये लोड के तनाव से प्रभावित नहीं हो। हालांकि कुछ वर्षों के बाद इन पुलों में दरारें पड़ जाती हैं और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भार द्वारा उत्पादित निरंतरता के दबाव में तनाव के कारण जो ब्रिज होते हैं वो अपनी लोचदार ताकत को खो देते हैं। तो दोस्तों, बीम जो कि पुलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि वो जो पुलों के ऊपर गतिविधियां हो रही हैं उसके तनाव को कम कर सकें। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बीम है जिसके बीचों बीच में आपने लोड लटकाया है। इस बीम की जो लंबाई है वो L है। तो जैसे ही जो लोड है इस पे लटका होगा तो ये नीचे की ओर जाने लगेगा, क्योंकि इसमें लोड के कारण जो उत्पन्न तनाव है वो अधिक है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आई आकार का बीम इस्तेमाल करेंगे जिसका यंग गुणांक ज्यादा होगा। आई आकार का बीम तनाव को कम कर देता है जो कि लोड के कारण उत्पन्न होता है और ये इसकी मजबूतता को भी बनाए रखता है। और जैसा कि दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि रेल की जो पटरी होती है वो भी आई आकार की ही बनी होती है ताकि वो जो रेल के कारण उत्पन्न तनाव को है वो उसको संभाल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।
प्रतिबल के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 1। विज्ञान की शाखा जो इमारतों और निर्माणों की ताकत से संबंधित है वो है असैनिक अभियंत्रण, संरचनात्मक अभियंत्रण, योजना, ऊपर के सभी। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को खालिस्तान गुणांक कहते हैं, प्रत्यायन गुणांक, प्लास्टिकता गुणांक, प्रत्यस्थता गुणांक, विरोधी विरूपण बल। अपरूपण विकृति को कैसे दर्शाया जाता है? डेल्टा एक्स भाग एल, डेल्टा वी भाग एल, डेल्टा एल भाग एल, डेल्टा वी भाग वी। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? सिर्फ तनन प्रतिबल, सिर्फ संपीड़न, दोनों तनन और संपीड़न प्रतिबल, ऊपर में से कोई नहीं। हेलो दोस्तों, आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है नाभिक। दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल को समझा था, जिसके अनुसार परमाणु का धनावेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। नाभिक का कुल साइज परमाणु के साइज की तुलना में काफी कम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु में अधिकांशतः रिक्त स्थान ही है। तथापि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान यानी लगभग 99.9% से अधिक नाभिक में ही समाहित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि परमाणु की संरचना के समरूप क्या नाभिक की भी कोई संरचना है, और यदि ऐसा है तो इसके अवयव क्या क्या है, वे परस्पर किस प्रकार जुड़े हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्याय का पहला भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, और इसके बाद देखेंगे नाभिक का साइज, और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा
तथा नाभिकीय ऊर्जा बंधन। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992647×10^26 किलोग्राम है। अब इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम एक बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की एक अन्य मात्रक प्रस्तुत किया गया और इस मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक यू कहते हैं। अतः इस परिभाषा के अनुसार एक यू बराबर होता है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान बटे 12 के, अर्थात 1.992647×10^26 किलोग्राम बटे 12, जिससे आता है एक यू बराबर 1.66053×10^26 किलोग्राम। दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान को यथार्थ मापन द्रव्यमान वर्णक्रम मापी यानी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान के मापन के से पता चलता है कि एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणुओं का अस्तित्व है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं पर इनके द्रव्यमानों में अंतर होता है। एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजातियां जिनके द्रव्यमानों में अंतर होता है समस्थानिक कहलाती हैं। दोस्तों, अगर नाभिक की संरचना की ओर गौर करें तो न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात नाभिक की संरचना का चित्र भी काफी हद तक साफ हो गया था। अब यह कहा जा सकता था कि किसी परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक Z से लिखा जाता है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या को N से। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। अतः किसी परमाणु में न्यूक्लियॉन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या A होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय नाभिक के साइज पर। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में ये देखा था कि परमाणु की संरचना को लेकर समय समय पर भिन्न भिन्न मॉडल दिए जा चुके हैं। सबसे पहले जेजे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल हो या फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। वैसे नाभिक के अस्तित्व के बारे में हमें सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा ही पता चला है। रदरफोर्ड ने अपने इसी प्रयोग से नाभिक के साइज को भी परिकलित किया। रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों एवं स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले कूलम बल पर आधारित थे, किंतु जब प्रयोग में अल्फा कणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया तो प्राप्त नाभिकीय साइज पहले की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध था। इससे प्राप्त होता है कि त्रिज्या को लिखा जा सकता है R बराबर R नॉट A की घात 1/3 से, जहां A परमाणु की द्रव्यमान संख्या है तथा R नॉट का मान 1.2×10^15 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला विषय द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट अपेक्षिता के सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है और हम द्रव्यमान को ऊर्जा के अन्य रूपों के समान ही किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया जिसे लिखा जाता है E बराबर mc^2, जहां E द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा तथा c निर्वात में प्रकाश का वेग है। चलिए अब जानते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक का द्रव्यमान बराबर होता है कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान जमा कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, यानी m बराबर है सिग्मा mp जमा सिग्मा mn,
यहाँ पर Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा Mn न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है और कैपिटल M नाभिक के द्रव्यमान को। किंतु दोस्तों नाभिकीय द्रव्यमान M सदा इस योग से कम पाया गया, अर्थात नाभिक और इसके घटकों के बीच एक अंतर होता है जिसे लिखा जाता है डेल्टा M के द्वारा, और जो बराबर होता है ZmP जमा A घटा ZmN घटा कैपिटल M के। दोस्तों यहाँ पर A परमाणु की द्रव्यमान संख्या और Z परमाणु संख्या है। इसके अतिरिक्त द्रव्यमान के इस अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। दोस्तों द्रव्यमान क्षति को नाभिक के घटक न्यूक्लियॉन्स के मुक्त अवस्था में द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान का अंतर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नाभिक को उसके घटक कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है, जिसे लिखा जाता है E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। दोस्तों यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा को नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन की संख्या से विभाजित किया जाए तो हमें प्राप्त होती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, और जिसे लिखा जाता है ई बी बटे ए। यहाँ पर इस चित्र में विभिन्न परमाणुओं के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दर्शाई गई है। दोस्तों यदि आप यहाँ ध्यान दें तो एक भारी परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दूसरे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 120 के आसपास है उसकी बंधन ऊर्जा से कम है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह भारी परमाणु विभाजित होकर छोटे छोटे दो परमाणुओं में टूट जाएगा, जिससे दोनों परमाणुओं की बंधन ऊर्जा अधिक हो और परमाणु स्थिर रह सके। इसी प्रकार छोटे परमाणु आपस में संयोजित होकर बंधन ऊर्जा का अधिक मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने समझा परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, इसके बाद जाना नाभिक का साइज, और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता को। तब तक के लिए गुड बाय। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय विकास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आपको इस अध्याय में से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि है क्या हम मानव विकास को अनुकूलित विकिरण कह सकते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है सीधे तरीके से कि मानव विकास को अनुकूलित विकिरण कह सकते हैं या नहीं कह सकते।
तो आपको वही चीज इसके आंसर में लिखनी है। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। नहीं, मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जो एक एकल तेजी से विविधता लाने वाले वंश से नई प्रजातियां पैदा करती है, जो मानव विकास के मामले में नहीं है। मानव विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे होती है। यह एनाजेनेसिस के उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है। आइए दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न में आपसे विकास के बारे में पूछा गया है, तो आपको वो ही इसके उत्तर में लिखना है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। ये विशेषताएं जीन की अभिव्यक्तियां हैं जो प्रजनन के दौरान माता पिता से संतानों को पारित होती हैं। उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग और आनुवंशिक विविधता के अन्य स्रोतों के परिणाम स्वरूप किसी भी आबादी के भीतर विभिन्न विशेषताओं का अस्तित्व है। विकास तब होता है जब इस परिवर्तन पर प्राकृतिक वरण और आनुवंशिक विचलन जैसी विकासवादी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेषताएं जनसंख्या के भीतर अधिक सामान्य या दुर्लभ हो जाती हैं। यह विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर जैव विविधता को जन्म दिया है, जिसमें प्रजातियों, व्यक्तिगत जीवों और अणुओं के स्तर शामिल हैं। आइए दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न में आपसे सीधे से प्रजाति की परिभाषा को पूछा है और वही आपको इसके उत्तर में लिखनी है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। प्रजाति को जीवों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि प्रजननक्षम संतान पैदा करने के लिए इंटरब्रीड करने की क्षमता रखते हैं। चौथा प्रश्न है, अनुकूलन विकिरण का वर्णन एक उदाहरण से करें। तो इस प्रश्न में आपको अनुकूली विकिरण को समझाना है और उसका जो वर्णन है वो आपको उदाहरण से समझाना है इस चीज को। तो इसका देख लेते हैं हम उत्तर कैसे लिखेंगे। अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जो एक एकल तेजी से विविधता लाने वाले वंश से नई प्रजातियां पैदा करती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक वरण के कारण होती है। अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण डार्विन फिंच है जो गैलापागोस द्वीप में पाया जाता है। गैलापागोस द्वीप में एक विशाल विविधता मौजूद है जो एक प्रजाति से ही उत्पन्न हुई थी, जो कि गलती से इस द्वीप पर पहुंच गई थी। नतीजतन कई नई प्रजातियां विकसित हुई हैं और नए निवास स्थान पर कब्जा करने के लिए अनुकूलित हैं। इन फिंचिस ने अपने खाने की आदतों के अनुरूप विभिन्न खाने की आदतों और विभिन्न प्रकार की चोंच विकसित की हैं। आइए दोस्तों, अब पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें। तो इस प्रश्न में आपसे डार्विन के चयन सिद्धांत को बताना है, उसको स्पष्ट करना है आपको, और उसको आपको जीवाणु में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध के उदाहरण से समझाना है आपको। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। डार्विन चयन सिद्धांत बताता है कि कम भिन्नता वाले जीवों की तुलना में अनुकूल रूपांतर जीव बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रकृति उपयोगी भिन्नता वाले जीवों का चयन करती है क्योंकि ये जीव मौजूदा वातावरण में जीवित रहने के लिए बेहतर विकसित होते हैं। इस तरह के चयन का एक उदाहरण जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोध है। जब प्रतिजैविक पेनिसिलिन युक्त अगार प्लेट में जीवाणुओं की आबादी को विकसित किया गया, तब पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील कॉलोनियों की मृत्यु हो गई थी।
जबकि पेनिसिलिन के प्रतिरोधी एक या कुछ जीवाणुओं कोलिनिया बच गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन जीवाणुओं में संयोग उत्परिवर्तन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन का विकास हुआ जिसने उन्हें पेनिसिलिन दवा के लिए प्रतिरोधी बना दिया। इसलिए प्रतिरोधी जीवाणु गैर प्रतिरोधी जीवाणुओं की तुलना में जल्दी से गुणा करते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए अन्य पर एक जीव का लाभ अस्तित्व के लिए संघर्ष में मदद करता है। आइए दोस्तों अब छठे प्रश्न को देख लेते हैं। इंटरनेट या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता करें कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्म संचेतना थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे। मनुष्यों के अलावा और भी कई जानवर हैं जिनमें आत्म चेतना है। एक जानवर के आत्म जागरूक होने का एक उदाहरण डॉल्फिन है। ये अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, उनके पास स्वयं की भावना है और वे दूसरों को अपने और दूसरे के बीच भी पहचानते हैं। वे सीटी, पूंछ थप्पड़ और शरीर के अन्य चाल द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। डॉल्फिन ही नहीं, कुछ अन्य जानवर भी हैं जैसे कि कौवा, तोता, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि आत्म चेतना प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों अब सातवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। तो इसमें आपको दो शब्द दे रखे हैं, पहला है संस्थापक प्रवाह और बॉटलनेक इफेक्ट दूसरा शब्द है। आपको इनको एक एक करके समझा देना है इसके उत्तर में। तो आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहला संस्थापक प्रवाह को समझाएंगे। जब एक या कुछ जनसंख्या के सदस्य अपने मूल स्थल से कुछ दूरी पर एक नई अलग थलग जनसंख्या के संस्थापक बन जाते हैं, इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। अब हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझा देते हैं। बॉटलनेक इफेक्ट पर्यावरणीय घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण जनसंख्या के आकार में तेज कमी आना ही बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। इस तरह की घटनाओं से जनसंख्या के जीन पूल में विविधता कम हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय विकास का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अध्याय विकास का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जैव विकास, विकास की क्रियाविधि और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को पढ़ा था। इस वीडियो में हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को जारी रखेंगे और इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। ये कारक संख्या में 5 हैं। तो सबसे पहला जो कारक है उसको हम कहते हैं जीन पलायन या जीन प्रवाह। दूसरा कारक है आनुवंशिक विचलन। तीसरा कारक है उत्परिवर्तन। चौथा कारक है आनुवंशिक पुनर्योग और पांचवा कारक है प्राकृतिक वरण। हम इन सारे कारकों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जीन प्रवाह को समझ लेते हैं। जनसंख्या आनुवंशिकी में जीन प्रवाह, जिसे जीन पलायन या अलील प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है, एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का स्थानांतरण है। अब अगर आनुवंशिक विविधता एक आबादी से दूसरी आबादी तक पहुंचेगा, तब अलील आवृत्तियां भी बदलेंगी, जो कि सीधा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव डालेंगी। अगला कारक है आनुवंशिक विचलन। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये लड़का साइकिल चलाते हुए रास्ते से जा रहा है। अब इसने अपने आसपास नहीं देखा, लेकिन रोड पर कुछ कीड़े भी थे।
और इसने कुछ कीड़ों पर गलती से साइकिल चढ़ा दी और उनको कुचल दिया। हाँ, गलती से, जानबूझकर तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जितने भी कीड़े कुचले गए वो मर गए और कुछ जीवित रहे। अब इस घटना से हम क्या समझते हैं? अब यहाँ पर जो कीड़े इस घटना से जीवित रहे, क्या उनके पास कोई अनोखी शक्तियां थी जिससे कि वे बच गए, या वो वेल अडेप्टेड थे जो कि इस घटना से उन्हें बचा ले गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कीड़े यहाँ पर जो बचे हैं वो सिर्फ भाग्यशाली थे और उनके पास कोई भी शक्तियां वगैरह नहीं थी। तो ये एक रैंडम घटना थी और जो कीड़े यहाँ पर कुचल दिए गए वो सिर्फ गलत जगह पर गलत जगह पर थे। और यही आनुवंशिक विचलन है। तो ये जो आनुवंशिक विचलन है ये अलील आवृत्तियों को बदल सकता है। दूसरे शब्दों में अलील आवृत्तियों का भाग्य से बदलना ही आनुवंशिक विचलन कहलाता है। तो इससे भी हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर असर होगा। अब दो तरह से आनुवंशिक विचलन हो सकता है। पहला है बॉटलनेक इफेक्ट और दूसरा है संस्थापक प्रवाह। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझ लेते हैं। पर्यावरणीय घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण जनसंख्या के आकार में तेज कमी आना ही बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। इस तरह की घटनाओं से जनसंख्या के जीन पूल में विविधता कम हो सकती है। अब इस इफेक्ट को हम बॉटल से याद रखेंगे और इसको हम बॉटल से ही समझेंगे। मान लो हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में कुछ टॉफियां पड़ी हुई हैं। ये टॉफी यहां पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब अगर हम इस बॉटल को हिलाएं तो कुछ टॉफी बाहर आ जाएगी। अभी इनमें से जो टॉफियां बाहर आई, क्या ये बॉटल की सारी आबादी की आवृत्तियों को दिखा रही है? नहीं ना। तथ्यात्मक रूप से तो ये वाली प्रकार की टॉफी तो बाहर आई भी नहीं, ये पूरी तरह से हट गई थी। तो ये भी भाग्य से हुआ है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण हम एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि जंगल में आग का ले लेते हैं। अब जो उत्तरजीवी होंगे जरूरी नहीं होगी कि उनके पास योग्यता वाले हों वो, बल्कि वो सिर्फ उस जगह पर होंगे जहां पर आग नहीं लगी होगी। तो उत्तरजीवी मूल आबादी को नहीं दर्शा सकते हैं, इस वजह से नई अलील आवृत्तियां होंगी जो कि उत्तरजीवी जीव दर्शाएंगे और यही बॉटलनेक इफेक्ट है। और यहां भी अलील आवृत्ति बदल रही है तो ये सीधा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर असर डालेंगी। एक और जगह है जहां पर हम आनुवंशिक विचलन को देख सकते हैं, वो है संस्थापक प्रवाह में। इसको हम अंग्रेजी में फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये बीज कहीं दूर से हवा के बहाव से उड़ते आ रहे हैं और एक नई जगह पर पहुंच गए। वो जगह इनके अंकुरण के लिए बहुत अच्छी थी तो ये वहां पर विकसित हो जाते हैं। विकसित होकर ये अपनी आबादी बनाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो आबादी बनाएंगे ये अपनी मूल आबादी के जैसी होगी या उन्हें दर्शाएंगी। ये सिर्फ एक रैंडम सैंपलिंग थी। यही फाउंडर्स इफेक्ट है, यानी कि संस्थापक प्रवाह है। जब एक या कुछ जनसंख्या के सदस्य अपने मूल स्थल से कुछ दूरी पर एक नई अलग थलग जनसंख्या के संस्थापक बन जाते हैं, इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। आइए अब अगले कारक के बारे में पढ़ते हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करता है। ये है उत्परिवर्तन। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्ण होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप का आविर्भाव होता है।
कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति की उत्पत्ति हो जाएगी। अगला कारक है आनुवंशिक पुनर्योग। अब जब युग्मक जनन के समय पर अभिभावकों के गुणसूत्रों पर मौजूद अलील अलग हो जाते हैं और नए संयोजन बनाते हैं, तो ये चीज भी हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करेगी। पांचवा कारक है प्राकृतिक वरण। अब ये कैसे हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित कर रहा है इसको हम समझेंगे। प्राकृतिक वरण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन समवंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। तो प्राकृतिक वरण से अलील आवृत्तियों में परिवर्तन आता है जिससे कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जो प्राकृतिक वरण है इसके इफेक्ट तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है स्थायी कारक वरण, दूसरा है दिशात्मक वरण और तीसरा है विदारक वरण। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम स्थायी कारक वरण को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम मानवों की ऊंचाई वाली विशेषता का उदाहरण लेंगे जिसमें कि तीन कैरेक्टर्स आते हैं। पहला है बौना, दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति और तीसरे हैं लंबे व्यक्ति। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों का चयन करेगी तब हम ऐसे वरण को स्थायी कारक वरण कहेंगे और इसमें मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा। पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आते हैं उनको नहीं चुना जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा उसका शिखर ऊंचा होगा और पतला होगा। अगला है दिशात्मक वरण। इसमें भी हम वही उदाहरण लेंगे, मानव की ऊंचाई वाला उदाहरण लेंगे हम। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति को छोड़कर लंबे या बौने व्यक्तियों में से किसी एक कैरेक्टर को चुनती है तब हम ऐसे वरण को दिशात्मक वरण कहेंगे। और इस प्रकार के वरण में क्या होगा कि अधिक व्यक्ति मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले कैरेक्टर को छोड़कर अन्य वैल्यू को प्राप्त करेंगे जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आएंगे, इन दोनों में से कोई एक। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो एक तरफ को जाने लगेगा जिस तरफ प्रकृति ने चुना होगा। अगला है विदारक वरण। अब अगर प्रकृति मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जिसमें कि दोनों बौने और लंबे व्यक्ति आते हैं उनका अगर चयन करती है तब हम इसे विदारक वरण कहते हैं। इसमें हम दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को चुनेंगे। और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के दो शिखर होंगे क्योंकि यहाँ पर दो पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को प्रकृति ने चुना है। तो ये सारी बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। और यहाँ पर हमारा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत खत्म होता है। इस वीडियो में हमने हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी किताब का हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पूरी तरह से खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास का संक्षिप्त विवरण और मानव का उद्भव और विकास को समझेंगे। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।